नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके सामने यूपी टेट की परीक्षा लगी हुई है और उसी की तैयारी देखिए हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। और जो हमारा यहाँ पे चैप्टर चल रहा है वो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम चल रहा है। इसमें देखिए हम आपके सामने अगला वीडियो लेके आए हुए हैं। ये वीडियो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे ये देखिए पिछले ईयर के क्वेश्चन यानी आए हुए क्वेश्चन भी होंगे और इस टाइप के देखिए क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट परीक्षा में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देखिए हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और ध्यान से आप लोग देखना चालू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ कर देते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया है। तो योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल दिया हुआ है, योगफल हम किसी भी संख्या को, दो संख्या को जोड़ते हैं तभी योगफल आता है। यानी इसको दिया हुआ 11 और गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18। तो योगफल का मतलब क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख सकते हैं और गुणनफल का मतलब x गुणे वाई लिख सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, x गुणे वाई और x प्लस वाई। अब देखिए कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो हमने देखिए शुरू में संख्या एक मानी x और एक मानी y, तो इनके व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/x 1/y। ये देखिए 2 सेकंड का आंसर का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बेसिक एक बार समझा देते हैं। यहां से देखिए आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन को 5 सेकंड में आप करके आएंगे एग्जाम में। अब देखिए यहां इसको 1/x + 1/y कर देते हैं, इनका गुणा इसके साथ, इसका गुणा x के साथ, यानी x + y बटा आपस में इन दोनों का गुणा xy। तो यहां देखिए x + y यानी योगफल आया और नीचे आपका क्या आया? गुणनफल आया। योगफल आपका कितना दिया हुआ 11 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 18। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी 11/18 यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो योगफल वाला आप ऊपर रख दीजिए मान और गुणनफल वाला नीचे रख दीजिए, सीधा सीधा आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन देखिए ये भी उल्टा बनाता है। देखिए 18/11 दिया और 11/18 दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, योगफल वाला हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और गुणनफल वाला कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे रहेगा। तो योगफल का मान 11 है और गुणनफल का मान 18 है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन, एक बार फिर हम एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। देखिए जब व्युत्क्रम की बात करेगा तो योगफल आपका कितना दिया 12 और गुणनफल कितना दिया हुआ 35, तो सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा 12/35, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन देखिए आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a*b = 2 ब्रेकेट में a+b हो तो 5*2 बराबर होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये भी क्वेश्चन है, इसमें करना क्या रहता है? देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है a*b और यहाँ पे दिया हुआ 5*2, तो अगर इसके नीचे हम इसको लिख देते हैं यानी a*b बराबर क्या हो जाएगा 5*2, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पे बीच में स्टार, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा है, इसमें आगे a है, इसमें आगे 5 है, तो a का मान देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा और b का मान आपका 2 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे करना क्या होता है, यही जो आपका दिया रहता है इसी में मान उठा के रख देना रहता है। तो जब 2a + b लिखा हुआ है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और जब 2 × 7 करेंगे तो 14, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि इसमें आपको जो यहाँ पे अक्षर दिया रहता है उसका मान भी दिया रहता है, और जब मान दिया रहता है तो सीधा सीधा आपको इसमें रखना रहता है, तो क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। एक क्वेश्चन हम और आपको इस तरीके से करवाते हैं, अभी देखिए आपका क्लियर हो जाएगा।
अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो आपको हम देखिए पकड़ा रहे थे, यानी कैसे आप क्वेश्चन को लगाना सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि यक्स स्टार वाई बराबर दो यक्स माइनस तीन वाई प्लस ए बी, ए बी देखिए यहाँ पे ए बी नहीं रहेगा, इसको हम यक्स और वाई कर देते हैं, यक्स वाई हो तो तीन स्टार पाँच प्लस पाँच स्टार तीन बराबर है। देखिए यहाँ पे पिछली बार आपको एक ही मान दिया था, लेकिन यहाँ पे आपकी बार कितना मान दे दिया है, दो मान दे दिया है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, एक बार आप यक्स का मान ये मान लीजिए, यानी इसी को ऐसे लिख दीजिए दो यक्स माइनस थ्री वाई प्लस यक्स वाई, ये इतना हो गया। एक बार यक्स वाई का मान तीन और पाँच रख दीजिए, फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाइए, एक बार इसी को और लिख दीजिए, वहाँ पे पाँच और तीन यक्स वाई का मान दोबारा रख दीजिएगा, यानी यहाँ जैसे आपका यहाँ दिया रहेगा उसी तरीके से ये वाला मान आपको कन्वर्ट करना रहेगा। तो इधर ये हो गया, फिर एक बार इसको और लिख देते हैं दो यक्स माइनस थ्री वाई प्लस यक्स और वाई। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या आया, तीन और पाँच इस वाले में रख दीजिए मान, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पाँच और तीन इस वाले में रख दीजिए, यानी x का मान तीन y का मान पांच, तो यहां पे रखिए दो गुणे तीन माइनस तीन गुणे पांच प्लस तीन गुणे पांच, ये हो गया प्लस दो गुणे तीन माइनस, यहां पे x का मान पांच है सॉरी पांच माइनस तीन गुणे तीन, तीन गुणे तीन प्लस पांच गुणे तीन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीन दुना छः माइनस पंद्रह प्लस पांतियाँ पंद्रह, फिर प्लस हो गया, फिर यहाँ पे दस माइनस नौ प्लस आपका क्या हो जाएगा पंद्रह। अब देखिए यहाँ पे बी माइनस का निशान है और यहाँ पे प्लस का निशान है, तो प्लस वाला ऐड कर दीजिए, पंद्रह और छः कितना हो जाएगा सत्रह, सत्रह में से दो घटाएंगे आपका पंद्रह और छः आपका कितना हो जाएगा इक्कीस, इक्कीस में से जब पंद्रह घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा छः प्लस, और यहाँ पे दस में से एक गया नौ, दस में से नौ गया एक आएगा, और यहाँ पे आपका पंद्रह पहले से ही है तो पंद्रह एक कितना हो जाएगा सोलह, यानी इस वाले ब्रैकेट में मान आया छः और इस वाले ब्रैकेट में मान आया सोलह। अब सोलह और छः को ऐड कर दीजिए यानी बाईस, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जैसे आपका बनाएगा, यानी एक ही पे बनाएगा तो आप एक ही पे मान रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा, अगर बीच में प्लस या माइनस का निशान दो बार बना देगा तो इसको आप दो बार लिख दीजिएगा, उसी में एक्स और वाई का मान या फिर ए और बी का मान रख दीजिएगा, पूरा सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले टाइप की बात हम करते हैं, जिसमें आपका शेषफल निकालना आपको बताएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा कि 13 गुणे 14 गुणे 11 को 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ऐसे आपका सीधा सीधा आता है और एक किसी संख्या पर घात लगा देता है। मान लीजिए यहाँ पर 9 की घात 45 कर दिया को 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। यानी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन आपका जो इसलिए इसके पहले वाले पेपर में आया था वो देखिए घात पे क्वेश्चन आया था, तो अब की बात देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सारे तरीके देखिए बहुत ही आसान तरीका हम बताएंगे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका रहेगा, बस आप देखते रहिए। देखिए यहां पर हमने संख्या लिखा हुआ 13 गुणे 14 गुणे 11 को 5 से भाग देने पर शेषफल होगा, तो यहां पे आपको गुणे का निशान मिल रहा होगा, तो आप सोचते हैं जैसे मान लीजिए यहां पर 13 गुणे 11 हमको करना है, 5 से भाग देना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 13 गुणे 11 कर देंगे, यानी आप जो भी करेंगे 13 गुणे 11 करेंगे 143 आ जाएगा, फिर आप 5 से भाग करेंगे तो यानी 5 दुना 10 5 अट्ठे 40, यानी आपका कितनी बार जाएगा, यानी 5 दुना 10 और 5 अट्ठे 40 28 बार जाएगा, 140 आपका आएगा और शेषफल कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से अगर लगाएंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या दे दिया तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम देखिए बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया 13 गुणे 11 को 5 से भाग देने पर शेषफल होगा, तो सबसे पहले आप ये ऊपर वाली जो संख्या है इसके करीब पहाड़ा पढ़िए, यानी इसके करीब आप क्या करिए पहाड़ा पढ़िए, तो जब 13 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसके करीब 5 दुना 10 यानी 5 दुना 10, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा शेषफल, 10 जा रहा है शेषफल कितना बचेगा 3,
तीन हम लिख देते हैं, फिर पांच दुना दस, शेषफल कितना बच रहा है, एक बच रहा है, तो हम क्या लिख देते हैं, एक। अब यहाँ पे जब आपस में गुणा करेंगे तो तीन गुणे एक कर देंगे, यानी तीन गुणे एक बटा पांच, तो तीन गुणे एक करेंगे तो पांच तीन ही आएगा बटा पांच। और एक चीज हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जो शेषफल आपका आएगा वो हमेशा जिस संख्या से भाग देंगे उससे कम ही आएगा। तो अगर ये ऊपर वाला आपका प्लस में रहेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ये माइनस में रहेगा तो नीचे वाले में से घटा के आपको आंसर बताना पड़ेगा, ये चीज आपका रहेगा। यानी तीन आया तो यहाँ पे देखिए तीन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे यहाँ 13 × 14 × 11 लिखा हुआ है, पाँच से आपको भाग देना है, तो सबसे पहले इसके करीब पहाड़ा पड़िए, पाँच दुना दस कितना से इस पल आया, तीन प्लस में है, फिर यहाँ पे पांच तिया 15, लेकिन 15 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 14, तो कितना कम लिखा हुआ, कितना कम है, माइनस एक कर दिया हमने, माइनस एक कर दिया। अब फिर पांच दुना 10 और एक कितना ज्यादा है, कितना बढ़ रहा है, एक, तो प्लस एक कर दिया। अब देखिए इससे हमको मतलब नहीं है, इससे क्या है मतलब नहीं है, इसी से सिर्फ मतलब है। तो तीन गुणे माइनस एक गुणे एक बटा पांच, जब इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस तीन आएगा बटा पांच आएगा। अगर ये प्लस में आता तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन ये माइनस में आया है तो इसमें करना क्या होगा, नीचे वाले में से इसको घटा देना होगा, यानी पांच में से तीन यानी दो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका समय बहुत ही ज़्यादा बचेगा और क्वेश्चन आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, यानी इन संख्याओं का एक बार गुणा करिएगा और पाँच से भाग करिएगा तो भी यही दो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें कह क्या रहा, कह रहा है कि 1548 × 1549 को 50 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इसमें देखिए आप गुणा अगर करेंगे तो गुणा काफी लंबा हो जाएगा, यदि आप गुणा ना करिए, ध्यान से देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं प्यारे साथियों। अब देखिए इसमें करना क्या, सबसे पहले आप ये देखिए इसमें पीछे की दो संख्या आप ले लीजिए, यानी पीछे की दो संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पीछे की दो संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको 48 मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 49 मिल रहा है, और आगे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ बटे 50 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए करिए क्या, इसके करीब जब भाग जाएगा 50 × 50 कितना कम है, कितना कम है, दो कम है, तो माइनस दो लिख देते हैं। अब इसमें जब भाग ले जाएंगे तो कितना कम है, एक कम है, तो माइनस एक लिख देते हैं। अब दोनों का जब आपस में यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, माइनस दो गुणे माइनस एक कर दीजिए बटा पचास, तो जब माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा ये प्लस दो बटा पचास, और हमने कहा कि अगर ये प्लस में आएगा तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर, और यही आपका क्या आ जाएगा, शेषफल। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं होना चाहिए और टाइम भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान मेथड हमने आपको बताया। अब देखिए हम घात वाले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में देखिए इसकी संभावना फिर बनी हुई है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 की घात 63 को 7 से भाग देने पर शेषफल होगा, यानी 2 की घात 63 को 7 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना। तो जब इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो घात आपका दिया हुआ है, घात जो दिया है इसमें 4 से आप भाग करिएगा, यानी किससे भाग करिएगा, 4 से भाग करना है, यानी घात में सबसे पहले आपको किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो जब 60 में आप 4 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल जो आएगा वही आप 2 की पावर लगा दीजिएगा, तो जब इसमें भाग करेंगे तो शेषफल आपका 3 आएगा, क्योंकि जब 60 में भाग करेंगे तो ये 60 यानी 15 बार में कट जाएगा और शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/7। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होता क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, यानी 2 × 2 × 2 3 बार करेंगे तो 8/7 आ गया। अब ये जो संख्या है इससे ये बड़ी संख्या आ गई, तो एक बार इसमें भाग और करिए तो 8 में जब 7 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अभी देखिए सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी देखिए शेषफल पे आधारित है, तो यहाँ पे देखिए हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं,
देखिए आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक एक चीज समझ के पढ़िए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर मैटर दे रहे हैं। देखिए जितना आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, ये तो आप जानते होंगे कि ये बगल वाला हो गया, मोहल्ले वाला हो गया, पड़ोसी वाला सेलेक्ट हो गया, तो वो ये एक बार ये सोचिए वो कितना मेहनत करता रहा होगा, तो आप उससे ज्यादा मेहनत करिए ताकि आपको भी सफलता क्या हो सके जल्द से जल्द मिल सके। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा उसको दो तीन बार देखिए, उसको दो तीन बार करिए, आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो हमारे समझ में ना आए। आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, आपको देखिए कोई भी टॉपिक जो भी टफ लगता हो उसको आप दो तीन बार पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में जरूर आएगा। और मैथ देखिए हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो एक बार लाइक करके बता दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है कि 9 की घात 29 में 82 से भाग देने पर शेषफल होगा। 9 की घात 29, 9 की घात 29 दिया तो पहले 4 से इसमें घात में भाग करिए, तो जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्य क्या हो जाएगा 28, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 1/82, क्योंकि 82 से भाग करना, तो 9 की पावर 1 का मतलब 9/82। अब देखिए ये जो आपकी ऊपर वाली संख्या आ रही है इस वाली संख्या से क्या आ रही है, छोटी आ रही है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, यही 9 आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, 9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इसका बहुत ही आसान मेथड आ गया है। एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 37 की पावर 38 को 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। 37 की पावर क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 38 में क्या करिए 4 से भाग करिए, तो जब 38 में 4 से भाग करेंगे तो 94 36, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, तो इसको हम 37 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, बटा क्या लिख सकते हैं 7 से भाग देना 7। अब देखिए यहां पर 37 की पावर 2 है, तो आप 37 का गुणा ना करिए 37 में, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37 × 37 और 7 से भाग करना है। अब 7 से इसमें इसके करीब आप पहाड़ा पढ़िए कितना शेषफल बचेगा, 7 × 35 शेषफल कितना बचेगा 2, और इसमें जब पढ़ेंगे तो 7 × 35 शेषफल कितना बचेगा 2। अब इसका काम खत्म हो गया, 2 × 2 कर दीजिए, 2 दूना कितना होता है 4/2, 2 दूना कितना होगा 4 होगा, 4/7 जब 7 करेंगे तो आपका देखिए यही ऊपर वाला क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो इसका ये हो गया, और दूसरा तरीका इसका क्या होगा, इसको देखिए आप इस फॉर्म में तोड़िए, जिससे आपका 37 ये 38 लिखा हुआ है, तो इसको जब हम भाग दिए तो आपका कितना आया 2 आया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 7 का पहाड़ा पढ़िए कि ये कट जाए, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 35 + 2 लिख सकते हैं अब 7 से जब भाग देंगे तो ये 35 आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 38 बचेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 38 है, तो इसमें 4 से भाग करिए 4 × 9 = 36, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2/7, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4/7, यही 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे इस तरीके से हल करेंगे तो भी आपका आंसर 4 आएगा, और अगर इस तरीके से तोड़ के आप हल करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लिए होंगे, तो एक बार इसका प्रेस्टिक कर लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं से भी कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वहां से देखिए आपको सलूशन जरूर दिया जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।